5, 4, 3, 2, 1. मैं हूं नरेश रागानी और आप देख रहे हैं होराइजन हिंद न्यूज़। आइए देखते हैं आज की हेडलाइन। रिश्तेदार द्वारा किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले आरोपी गिरफ्तार, तबीजी गांव की है घटना। टाटा पावर से नहीं संभल रहा शहर की बिजली का काम, इस मौसम की पहली बारिश में खुल गई पोल, तकरीबन 20 बार पंचशील नगर क्षेत्र में बत्ती बंद। दिन भर से 7 से 12 जगह बार बार कम्बों से आती रही शॉर्ट सर्किट के साथ हल्के धमाकों की आवाज। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन, संघ की 16वीं कार्यकारिणी की घोषणा के उपलक्ष्य में हुआ रक्तदान का आयोजन, 21 यूनिट किया रक्तदान। महावीर इंटरनेशनल ने अपने स्थापना सप्ताह में पुलिस लाइन में किए 10 पंखे वितरित, कल स्थापना सप्ताह का होगा समापन, पूरे सप्ताह के सामाजिक कार्य। फाइसागर रोड जगदम्बा कॉलोनी के लोगों ने टूटी सड़क को लेकर किया प्रदर्शन, निर्माण कार्य की योजना पास होने के बावजूद नहीं हुआ कोई कार्य। जमकर हुई बारिश में शहर में हुआ पानी पानी, स्टेशन सहित शहर के कई हिस्सों में भरा पानी, छावनी पुल में फंसी कार। अजमेर में भिक्षावृत्ति से बच्चों को दूर करने के लिए दरगाह इलाके में पोस्टर विमोचन, इस मौके पर आईजी संजीव नर्सरी भी हुए उपस्थित। बारिश की वजह से पुरानी आरपीएससी के कमरे की गिरी छत, कलेक्टर को ज्ञापन देने के बाद भी नहीं हुई कोई सुनवाई। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhind.com, सच के साथ।